हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक वैकेंसी निकली हुई है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट चर्च की। तो उस वैकेंसी को हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी स्क्रीन पर मेंशन कर रखी है, www.delhihighcourt.nic.in। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्या ये वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन हमें इसकी ज़रूरत है इस वैकेंसी को पाने के लिए। तो देखिए, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो उनके लिए क्या है, 45 वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं इस पोस्ट के लिए। और अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके स्टेजेस के बारे में, तो एग्ज़ाम की जो स्टेजेस हैं, बेसिकली आप लोगों को पता हो कि 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से जो आपका पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से 25% नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर सिलेक्शन फॉर द मेन एग्जामिनेशन, जिसे हम रिटर्न एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका रिटर्न एग्ज़ाम, जो मेन्स एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है एंड देन मेन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका वाइवा होता है जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप्स आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। जुडिशरी में भी बेसिकली 3 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रीलिम्स एंड मेंस एंड आपका इंटरव्यू, जिसे हम वाइवा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका द दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रेफर टू अबव विल बी हेल्ड ऑन संडे 20 मार्च 2022 11 to 1 PM के लिए। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम का, वो आपका होगा किस डेट को, ये डेट भी आपको नोट कर लीजिए अपने कॉपी या फिर इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जो आपका सबसे पहला जो स्टेप होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप देना होगा, जो कि होगा 20 मार्च 2022 को। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और ऑनलाइन अपना फॉर्म जो है इसके लिए अप्लाई कर दो। एंड आपके जो क्वालिफिकेशन है, एक तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आप एक ऐसे एडवोकेट हो जो प्रैक्टिस करते हो, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। और लास्ट जो रिसिप्ट एप्लीकेशन है गाइस, वो 12/3/2022 है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आपका 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। सो अभी से ही आप अप्लाई कर दें। एंड एज जो है, मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स, नॉट अटेन द एज ऑफ 45 ईयर्स। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ईयर्स विच द एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट आर इन्वाइटेड, 1/1/2022, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस वैकेंसी को लेकर। तो इस वैकेंसी को अगर आपको फुल्ली मतलब पढ़ना है क्या कुछ है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई है, ऊपर ही लिखा हुआ है पीडीएफ के, उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने की, वो जो है आपकी 25 से शुरू हो गई थी एंड लास्ट डेट है वो 12 मार्च तक ही रहेगी। तो आप पहले ही अपना आज या कल में जब भी है 12 तक अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो ऑनलाइन। और जो फीस होगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आप लोगों ने एक बार अपनी फ़ीस सबमिट कर दी तो फिर आप लोगों को वापस नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। तो आपको 1000 रुपीज़ जो पे करनी है एंड 200 जो रिजर्व कैटेगरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं इनके लिए हैं। अगर हम बात करें आपकी वैकेंसीज़ की, SC ST जनरल की 30, एग्जिस्टिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को इस PDF में मिल जाएगी। हाँ जी, जो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो आपकी डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगी यानी कि MCQ फॉर्मेशन होगी। मेंस में क्या होगा, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है जिस थ्योरी बोलते हैं, मतलब क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में आप लोगों को आंसर लिखने होंगे उस चीज़ के लिए। एंड लास्ट तो आपका होता है वाइवा, तो उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोगों को जवाब देना है। यहाँ पर लास्ट में भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर रखी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। एंड लास्ट ईयर जो है वो आपकी बता दिया मैंने, इसमें मेंशन कर रखी है 12/3/2022। तो गाइस, बेसिकली ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो एक वैकेंसी के लिए।
जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। होप्सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।